इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको NSX 12 यानी कि दोस्तों 57 डिग्री ईस्ट पर आपको KO बैंड का सेटेलाइट मिलता है, उसकी आज हम चैनल लिस्ट दिखाएंगे। आज इस को सेटेलाइट को हमने ट्रैक किया है दोस्तों 2 फुट पे, और ये आराम से 2 फुट की डिश पर ट्रैक हो जाता है। और ये हमारा जैसे कि आप LNB पोजीशन देख सकते हैं, हॉरिजेंटल साइड में इसका LNB पोजीशन है। और आपको थोड़ा सा यहाँ पर बजर की आवाज़ सुनाई दे रही है दोस्तों, यहाँ पर हमने सिग्नल आ चुका है तो यहाँ पर हमें जो है बजर सुनाई दे रहा है दोस्तों, जो कि हमने अपने सेट टॉप बॉक्स में लगाया है। तो यहाँ पर ये हमारा डिश एंटीना है, हम आगे से आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आगे से LNB का पोजीशन और डिश का पोजीशन। और दोस्तों इस सेटेलाइट के साथ आपका 55 डिग्री यानी कि दोस्तों G-Sat 8 सेटेलाइट, और यहां पर 57 डिग्री यानी कि दोस्तों NSX 12 सेटेलाइट दोनों भी स्कैन हो जाते हैं चैनल। तो चलिए देख लेते हैं चैनल लिस्ट, यहां पर कौन कौन से चैनल आपको KO बैंड सेटेलाइट पर देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। तो चलिए TV स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आ चुके मैं अपने TV स्क्रीन की तरफ, और यहाँ पर मैं ये बजर का जरा पिन यहाँ से निकाल देता हूँ ताकि आवाज क्लियर आ सके। तो यहाँ पर हमने बजर का पिन निकाल दिया है दोस्तों, और आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ दीपक और आप देख रहे हैं DSL पिंग हैंड। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर 2 सेटेलाइट को ट्रैक किया है, 55 डिग्री और 57 डिग्री। 55 डिग्री G-Sat 8 सेटेलाइट है, और 57 डिग्री जो है दोस्तों NSX 12 सेटेलाइट है, जो कि हमने एक ही KO बैंड के डिश एंटीना पर दोनों सेटेलाइट को ट्रैक करके हमने आपको आज के डेट में यहां पर चैनल स्कैन करके दिखाया है। तो दोस्तों यहां पर बने रहिए वीडियो के साथ, और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो देख लेते हैं दोस्तों यहां पर कौन कौन से चैनल आपको इस सेटेलाइट के ऊपर देखने को मिलते हैं। तो यहां पर से आप इसकी TP नोट कर सकते हैं, ऊपर की साइड में जो आपको 3 TP नजर आ रही है दोस्तों, यहां पर यह सेटेलाइट की TP है NSX 12 की, जो कि आप यहां पर से नोट कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में जो TP आपको नजर आ रही है, जो कि यहां पर G-Sat 8 55 डिग्री ईस्ट की सेटेलाइट की TP है, 2 फुट के डिश पर आराम से इसे ऑल इंडिया ट्रैक कर सकते हैं। तो यहां पर से आप इसकी TP नोट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से चैनल यहां पर आपको इस सेटेलाइट के ऊपर देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप यहां पर TV स्क्रीन पर देख सकते हैं, मना TV 2 नाम से आपको ये चैनल दिखाई दे रहा है दोस्तों। उसके बाद मना TV 1 नाम से आपको एक चैनल यहां पर दिखाई दे रहा है, T-Sat 1 नाम से आपको यहां पर एक चैनल दिखाई दे रहा है, T-Sat Disha नाम से आपको यहां पर एक चैनल दिखाई दे रहा है, T-Sat Vidya नाम से आपको यहां पर एक चैनल दिखाई दे रहा है दोस्तों। और आप यहां पर देख सकते हैं T-Sat Nipun नाम से आपको यहां पर एक चैनल दिखाई दे रहा है। तो ये सारे चैनल जो है दोस्तों आपको एक ही TP पर मिल जाते हैं, जो कि आप यहां पर से नोट कर सकते हैं। और G-Sat 8 यानी कि दोस्तों 55 डिग्री ईस्ट पर आपको ये चैनल मिल जाएंगे देखने को। और यहाँ पर जो हमने सेटेलाइट सेट की है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो चैनल हमें मिला है दोस्तों डेमो है, सेस डेमो HD नाम से आपको ये चैनल मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर ये 57 डिग्री ईस्ट का चैनल है दोस्तों, जो कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको चैनल तभी देखने को मिलते हैं जब कोई यहाँ पर फीड चैनल ऐड करता है। तो यहाँ पर जो दोस्तों अभी फिलहाल में कोई फीड चैनल ऐड नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप सेस डेमो HD नाम से उनके सेटेलाइट का चैनल देख सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहा है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में आपको यही एक अपडेट न्यूज देनी थी, जो कि यहाँ पर एक साथ हमने KO बैंड डिश एंटीना पर 55 डिग्री और 57 डिग्री दोनों सेटेलाइट को ट्रैक करके हमने आपको चैनल लिस्ट दिखाई है। और दोस्तों और अधिक जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपको रेड बटन दिखाई दे रहा है वीडियो के नीचे, उसको प्रेस करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बेल आइकॉन प्रेस करते समय ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक मिलती रहेगी। और आप जो दोस्तों ये वीडियो कहीं पर भी पसंद आती है, तो इस वीडियो को एक लेकर के अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली कोई नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।